हेलो किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल एस एन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंगन की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है किसान भाई की, बैंगन की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, नर्सरी की तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और बैंगन की कौन सी उन्नत किस्में उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, पहली खाद हमें कब देना है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, और आपको पहली सिंचाई कब करना है। काफी सारे हमारे किसान भाई कंफ्यूजन होता है कि बैंगन की रोपाई करने के कितने दिन बाद की हमें पहली सिंचाई करना चाहिए, और पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान भाई, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। किसान भाई, सब्सक्राइब करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बेल आइकन को दबा के और ऑल पे क्लिक कर लें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। इससे ये होगा किसान भाई कि हमारे काफ़ी सारे ज्ञानवर्धक वीडियो आएंगे, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहेंगे। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की बैंगन की खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी कार्य क्या होते हैं। तो किसान भाई, सबसे जरूरी जो कार्य होता है खेत की तैयारी। किसान भाई, अगर आप खेत की सही तरीके से तैयारी करते हैं तभी आप अपनी बैंगन की फसल से अच्छी तरीके से पैदावार ले सकते हैं और अच्छा उत्पाद ले सकते हैं। तो किसान भाई, खेत की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले किसान भाई आपको जुताई अच्छी तरीके से करना है, खेत की साफ सफाई करना है, उसके बाद आपको करीब दो बार आपको जुताई कराना है। एक बार पहले आपको पलटा हाथ से कराना है गहराई से, और दूसरा आपको रोटावेटर से जुताई कराने से ये होता है किसान भाई की उसमें हमारी जो मिट्टी होती है भुरभुरी हो जाती है और हमारी खेत एकदम लेवल हो जाता है। और उसके बाद में किसान भाई आपको जब इसकी रोटावेटर की जुताई कराने के बाद आप पार्ट लगाने के बाद किसान भाई आपको देसी खाद यानी कि सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उससे ये होगा किसान भाई कि आपकी जो जमीन है उसकी जो उपज है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो मैन पावर होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी कोई भी फसल अगर आप लेते हैं किसान भाई तो उसमें जो देसी खाद होती है, सड़े हुए गोबर की खाद होती है, उसका रोल बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो अगर आप देसी खाद सड़े हुए गोबर की खाद कम से कम एक एकड़ में दो से तीन ट्रॉली का अवश्य प्रयोग करें। और उसके बाद में किसान भाइयों का सवाल रहता है कि कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तब आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट का एक बैग का प्रयोग करिएगा। उससे ये होगा किसान भाइयों की आपकी खाद की जो समस्या होगी वो समस्या खत्म हो जाए। सिंगल सुपर फास्फेट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है हमारी बैंगन की फसल के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका होता है। उसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि उन्नत प्रजाति कौन सी होती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंगन की उन्नत जो प्रजाति होती है वो आप अपने एरिया के हिसाब से चयन करें। संकर की प्रजाति बहुत ही अच्छी आती है, प्रगति की प्रजाति आती है वो बहुत ही अच्छी प्रजातियाँ हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप चयन करें कि आपके एरिया में आप मालूम करें कि कौन सी अच्छी प्रजाति है, उस प्रजाति का ही चयन करें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की हमें बैंगन के रोपाई करने के लिए हमें कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, एक एकड़ में आपको करीब 120 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप बैंगन की नर्सरी डालने हो तो नर्सरी डालने से पहले किसान भाइयों आपको बीज शोधन अवश्य करना है। बीज शोधन के लिए मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी बीज शोधन किस प्रकार से करते हैं। किसान भाई, अगर आप बीज शोधन करते हैं तो आपका जो बीज का जमा होता है वो 100% होता है। तो इस प्रकार से किसान भाई आपको बीज शोधन अवश्य करना है। अब उसके बाद कर लेते हैं किसान भाई कि हमें सिंचाई कब करना है, कितने दिनों के बाद सिंचाई करना है रोपाई करने के। तो किसान भाई, जब आप रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के बाद किसान भाइयों आपको जब रोपाई करने के अगले दिन आपको सिंचाई अवश्य कर देना है। इससे ये होगा किसान भाई हमारे खेत में नमी रहेगी और हमारी जो पौधा होगी, जो प्लांटेशन हम जब करते हैं तो हमारा पौधा मुरझाया हुआ होता है, जिससे नाइट्रोजन की जो कमी होगी वो पूर्ति हो जाएगी और हमारा पौधा एकदम हरा भरा दिखाई देगा और आपको अगले दिन अवश्य सिंचाई कर देना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमारे काफ़ी सारे किसान भाइयों का सवाल है कि पहली खाद में कौन से खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जब आप बैंगन की रोपाई कर देते हैं, रोपाई करते समय आपको NPK खाद का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई जब बैंगन की रोपाई करते हैं तो उस समय पर गलती करते हैं। तो आपको किसान भाई NPK 12x16 खाद का एक बैग यानी कि 50 किलोग्राम का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। अगर आप NPK 12x16 का प्रयोग कर देते तो हमारी जो जड़ें होती है वो अच्छी तरीके से और उसका जो तना होता है अच्छा मजबूत होता है, हमारे बैंगन की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और इस प्रकार से हमारी बैंगन की फसल से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं कि जब हमारी बैंगन की फसल पहली डोज के बारे में
कि पहली खाद हमें कब लगाना चाहिए, क्या सही समय पीरियड है। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपकी बैंगन की फसल 10 दिन की 10 से 12 दिन की हो जाती है, तब आपको किसान भाइयों आपको लेना है एनपीके, आपको लेना है 12:61:0, उसका प्रयोग करना है आपको करीब 50 किलोग्राम। इस प्रकार से अगर आप खाद का प्रयोग करते हैं तब आपकी जो बैंगन की फसल है उसकी अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। और दूसरी बात करना है किसान भाइयों कि आपको प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 2 फीट रखना है, और जब आप बैंगन की प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको 2-2 या 3 दिन पौधे की रोपाई करना चाहिए। इससे हमारी जो किसान भाई जो उपज होगी वो उपज अच्छी तरीके से आएगी और हम अच्छा लाभ ले पाएंगे। तो आपको प्लांट की दूरी 2 मीटर रखना है, 2 फीट रखना है, और जब कोई जो रोपाई करना है तो 2 से 3 प्लांट की रोपाई करना है। और बात कर लेते हैं किसान भाई की, आपकी जब बैंगन की फसल 15 दिन की हो जाती है तब आपको एक ड्रेनिंग के द्वारा एक एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है, वाटर सोल्युबल खाद का। तो किसान भाई आपको लेना है 1 किलोग्राम एनपीके 19:19, और उसके साथ में आपको लेना है करीब 10 किलोग्राम यूरिया। उसको किसान भाइयों मिक्स करके और ड्रेंचिंग कर दीजिएगा। इससे हुआ किसान भाइयों कि हमारे जो खाद की जो डिफिशेंसी रह गई थी, जमीन की जो ताकत होती है, कहीं कहीं पे हल्की जमीन होती है तो वहाँ पे खाद की डिफिशेंसी ज़्यादा पाई जाती है, तो जो डिफिशेंसी रह गई थी वो डिफिशेंसी पूरी हो जाती है और हमारी नाइट्रोजन की मात्रा भी पूरी हो जाएगी, जिस प्रकार से हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी बहुत ही शानदार होगी, हमारा जो पौधा होगा एकदम हरा भरा एकदम स्वस्थ दिखाई देगा। इस प्रकार से अगर आप किसान भाइयों अपने बैंगन की रोपाई करने के बाद जो जो मैंने खाद मैनेजमेंट बताया, खाद शेड्यूल बताया, इस खाद का प्रयोग करते हैं तब आप अपनी बैंगन की फसल से बेहद अच्छा विकासोर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई आशा करते हैं मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर आपकी आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सके, वो अपनी फसल से अच्छा पैदावार ले सके। तो किसान भाई अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि कीटों से बचाव और फंगिसाइड से किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं बैंगन की फसल से। तो अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है किसान भाई, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ सवाल रहता है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।